हेलो एवरीवन, माय नेम इज त्रिवेश एंड वाचिंग माय यूट्यूब चैनल। तो आज हमारी स्पोकन सीरीज की 13th क्लास है और इसमें मैं आपको फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस के बारे में बताने वाला हूँ। ट्विस्ट क्या है, ये सेंटेंस तो बहुत ज़्यादा इजी है, मतलब सबसे इजी सेंटेंस अगर मैं बात करूँ तो मेरे हिसाब से वो फ्यूचर इंडेफिनिट के ही हैं। लेकिन ट्विस्ट ये है कि मैंने कई जगह इवन मैंने पहले जो मिस्टेक मैं भी कर दिया करता था पहले, जहाँ वुड लगना है मैं उसको नॉर्मल फ्यूचर इंडेफिनिट में बना दिया करता था, एक्चुअल में वहाँ पर विल नहीं आता, वहां पे वुड आता। तो कहां वुड आता है और नॉर्मल ये सेंटेंसेस क्या होते हैं, वो सारी चीजें हमारे इस वीडियो में कवर करने वाले हैं। तो वीडियो के खत्म होने तक आपको मैं सेंटेंसेस बताऊंगा जो कंफ्यूज करेंगे, आपको खुद बनाने होंगे, आपको पहचान ढूंढनी होगी कि ये विल का बनेगा या वुड का बनेगा, और आपको वीडियो खत्म होने तक बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि एक्चुअल में फ्यूचर इंडेफिनिट क्या होते हैं और विल की जगह वुड कहाँ लगता है। क्योंकि नॉर्मल सेंटेंस होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट की, अगर मैं पहचान की बात करूँ तो फ्यूचर का मतलब भविष्य है कि आने वाला टाइम, कल, अभी 10 मिनट के बाद जो फ्यूचर है, ठीक है, तो वो होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट में, जिसके एंड में गा गी गे आए। अब चार चीज़ें हैं, आप इस चीज़ को याद रखना। पहली चीज़ तो गा गी गे वहाँ पे भी आ सकता, रहा होगा रही होगी, चुका होगा चुकी होगी, वहाँ भी एंड में गा आ रहा है, लेकिन ये एक बहुत कॉमन चीज है, इसका फर्क हमें पता है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट में नहीं आएगा। और भी तीन चीजें होती हैं जो मैं आपसे आगे डिस्कस करूंगा कि और क्या चीजें होती है कि मैं दिल्ली जाऊंगा लेकिन यही चीज मैं विल में भी बनाऊंगा, वुड में भी बनाऊंगा, क्या फर्क हो जाएगा वो आपको मैं बताता हूं। तो पहले फ्यूचर इंडेफिनिट को ही हम डिस्कस करते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट को ही क्लियर करते हैं। तो फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंस में जो भी चीज होगी, मैं ये करूंगा, मैं वो करूंगा, हम यहां जाएंगे, तुम ये क्यों नहीं करोगे, तुम कहां जाओगे, इस तरह की चीजें जहां पे एंड में नॉर्मल गा गी गे कि ये चीज होगी, नहीं होगी, क्यों होगी, कब होगी, वो सेंटेंसेस आते हैं हमारे फ्यूचर इंडेफिनिट के अंदर। सिंपल चीज़ क्या है, इसमें सिर्फ विल का यूज़ होगा। पहले शैल का भी यूज़ होता था लेकिन अभी शैल का यूज़ बहुत ही ज़्यादा फॉर्मल में हो चुका है, वो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। नॉर्मली हम सिर्फ विल को यूज़ करेंगे, चाहे आई वी यू दे के साथ हो, आई वी यू और दे, मतलब मैं, हम, तुम और वे लोग, इन सब के साथ हम विल का यूज करेंगे। और चाहे ही, शी और इट, इट में हमारी कोई भी नाम, कोई भी जगह या फिर कोई भी वस्तु आ जाएगी, तो चाहे वो वह हो लड़का, वह हो लड़की, कोई भी नाम, जगह या फिर कोई भी वस्तु हो, सबके साथ हम विल का यूज़ करेंगे। फर्स्ट फॉर्म आएगी, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी, कोई आईएनजी नहीं है, कुछ नहीं है, नॉर्मल एक्शन की फर्स्ट फॉर्म। तो ये बिल्कुल सिंपल से इसके टेक्निक है, रूल्स यही रहेंगे, आप इन रूल्स को लिख लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, रूल्स यही रहेंगे सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारे आगे तक। इन्हीं रूल्स के हेल्प से हम सेंटेंस को बनाते हैं और देखते हैं क्या होते हैं फ्यूचर इंडेफिनिट सेंटेंसेस, और एंड में मैं आपको कुछ सेंटेंस बनाने के लिए भी दूंगा। तो विल फर्स्ट फॉर्म, और सबके साथ विल, और गागी के। अब एक मैं बिल्कुल सिंपल सेंटेंस से स्टार्ट करता हूं, ठीक है, बिल्कुल सिंपल सेंटेंस है, मैं पार्टी में जाऊंगा, ठीक है, मैंने सेंटेंस लिखा मैं पार्टी में जाऊंगा, ठीक है, तो मैं पार्टी में जाऊंगा। सबसे पहले डूअर आएगा हमारा, एक्शन में देखेंगे सिंपल वाला रूल क्या है, सबसे पहले डूअर, फिर मेन वर्ड, मेन वर्ड क्या है लगेगा, विल, आई विल, फिर एक्शन, एक्शन में यहां पे एक्शन की फर्स्ट फॉर्म लगेगी सिंपल, आई विल गो, कहां जाऊंगा, मैं जाऊंगा, आई विल गो टू पार्टी, मैं पार्टी के लिए जाऊंगा, या फिर आई विल गो इन पार्टी, अगर यहां पर टू लगा दिया मैंने तो ये इसका मतलब आ जाएगा पार्टी के लिए, पार्टी को, मैं पार्टी को जाऊंगा, पार्टी के लिए जाऊंगा, ठीक है, इन पार्टी भी लिख सकते हैं हम, आई विल गो इन पार्टी, ठीक है, इन पार्टी का मतलब हो जाएगा मैं पार्टी में जाऊंगा, आई विल गो टू पार्टी, आई विल गो इन पार्टी, आई विल गो टू स्कूल, आई विल गो इन स्कूल, मैं स्कूल में जाऊंगा। तो इस तरीके से हम इसको बनाएंगे, आई विल गो टू पार्टी, ठीक है, या फिर आई विल गो इन पार्टी, एक ही आपको सेंस मिलेगा। दूसरा सेंटेंस मैं आपको बताता हूं, तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है,
वहां के लिए हम यूज करते हैं देयर, तो पहले हम बनाएंगे तुम नहीं जाओगे वहां, इस तरीके से बनेगा। तो नेगेटिव वाला सेंटेंस है उसका जो फॉर्मूला होता है, पहले हमारा डूअर, डूअर कौन है, तुम, यू, फिर मेन वर्ड विल, मेन वर्ड के साथ नॉट, यू विल नॉट गो देयर, इस देयर का मतलब है वहां, सो यू विल नॉट गो देयर, तुम वहां नहीं जाओगे, ठीक है। अब क्वेश्चन में हमारे पास दो तरीके के क्वेश्चंस होते हैं, एक क्वेश्चन होता है जिसका आंसर मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, एक होता है जिसका आंसर हाँ या ना में नहीं दे सकता। जैसे क्या तुम खेलोगे, इसका जवाब मैं हाँ या ना में दे सकता हूँ, और हमारे एक्सप्रेशन भी डिपेंड करते हैं। मैं अगर सिंपल यही बोलूँ तुम खेलोगे, तो ये यहाँ मैं पूछ रहा हूँ कि तुम खेलोगे, तो ये सेंटेंस बना जहाँ पे हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, क्या तुम खेलोगे। तो जब भी इस तरीके का सेंटेंस आए, क्या तुम खेलोगे, क्या तुम खेलोगे, जब भी इस तरीके का सेंटेंस है जिसका जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, एक चीज याद रखिएगा, मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, मेन वर्ड लगेगा विल, फिर डूअर विल यू, एक्शन की फर्स्ट फॉर्म विल यू प्ले, क्या तुम खेलोगे। अब मैं इस सेंटेंस को ही ऐसे बनाता हूं जिसका जवाब हम हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, जैसे मैंने बोला तुम क्या खेलोगे, अब इस क्या की मैंने कोई वो नहीं बनाई है, कोई स्पेलिंग नहीं दिया है, कि वरना क्या के लिए हम व्हाट का यूज करते हैं, लेकिन यहां पे जब क्या सबसे पहले आ जाए, मतलब हम हाँ या ना में आंसर दे सकते हैं, तो मेन वर्ड सबसे पहले आ जाएगा, क्योंकि इस क्या की जरूरत भी नहीं है, तुम खेलोगे, अगर मैं इस तरह से एक्सप्रेशन से ही पूछूं तुम खेलोगे, तो वहां पे भी हम विल यू प्ले बोलेंगे। अब मैंने एक क्वेश्चन लिया तुम क्या खेलोगे, क्या मैं इसका आंसर हाँ या ना में दे सकता हूं, नहीं, तुम क्या खेलोगे, तो मुझे बताना पड़ेगा कि मैं क्या खेलूंगा, ठीक है। एक तो अगर क्या तुम खेलोगे, दूसरा सेंटेंस है तुम क्या खेलोगे। अब जब क्या, कब, कैसे, क्यों, ये आ जाए, हमारे WH फैमिली भी इनको बोलते हैं, तो जब इस तरीके के हमारे क्वेश्चन वर्ड्स आ जाएं, तो क्वेश्चन वर्ड जब भी आ जाए तुम क्या खेलोगे, सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड की बनेगी व्हाट, आप रूल देखते रहिएगा, व्हाट, फिर आएगा हमारा मेन वर्ड विल, फिर डूअर यू, फिर एक्शन प्ले, व्हाट विल यू प्ले। अब मैं इसी की जगह क्या की जगह मैं कर दूं कब, तुम कब खेलोगे, मैं इसका जवाब भी हाँ या ना में नहीं दे सकता, तो सिंपल सी चीज है, बस कब, जहां पे हमने क्या लिखा था वहां कब के लिए आ जाएगा, कब के लिए हम यूज करते हैं व्हेन, तो यहां पे मैं लिख दूंगा व्हेन विल यू प्ले, व्हेन विल यू प्ले, तुम कब खेलोगे, बिल्कुल सिंपल है। अब एक हम बनाते हैं क्वेश्चन नेगेटिव, मैं बोल रहा हूं क्या वह नहीं खेलेगा, या फिर क्या वह नहीं जाएगा, सिंपल सा रखते हैं, क्या वह नहीं जाएगा, इसका भी जवाब हम हाँ या ना में दे सकते हैं, तो क्या सबसे पहले आ गया, क्या वह नहीं जाएगा, क्या वह नहीं जाएगा, तो सबसे पहले जब अगर क्या सबसे पहले आ गया हाँ या ना में जवाब दे सकते हैं, तो मेन वर्ड सबसे पहले Will, फिर doer, he, फिर not, फिर action. Will he not go? ठीक है, Will he not go? Will और not को हम क्या लिख सकते हैं यहां पे? Won't he go? हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, won't he go? तो will not को हमने जोड़ के कंप्रेस करके won't बना दिया, तो won't he go या will he not go, दोनों सही है, ठीक है। अब एक नॉर्मल क्वेश्चन नेगेटिव वाला सेंटेंस जो क्वेश्चन वर्ड वाला होगा, राम क्यों नहीं खेलेगा, या राम क्यों नहीं पढ़ेगा, राम क्यों नहीं पढ़ेगा, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन वर्ड का बनेगा, क्योंकि हम इसका जवाब हाँ या ना में नहीं दे सकते हैं, क्वेश्चन वर्ड की सबसे पहले व्हाई, फिर मेन वर्ड
will doer plus not action. ठीक है, तो why will he not study? Oh sorry, why will he नहीं आएगा, राम यहां आएगा, राम. ठीक है, why will राम not study? अब यहां पे मैं will not को बना के क्या कर सकता हूं, why won't राम study? ठीक है, why won't राम study, why will राम not study? ठीक है, तो ये सिंपल सेंटेंस बन गया. अब मैंने आपको चारों तरीके के सेंटेंस बताए हैं. अब मैं आपको जो मेन चीज है जिसकी रिगार्डिंग मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, वो चीज जहां पे हम वुड लगा देते हैं, जहां पे लगना चाहिए विल हम वुड लगाते हैं, जहां लगना चाहिए वुड हम विल लगाते हैं. अब मैंने एक सेंटेंस बोला मैं खेलूंगा, ठीक है, सिंपल सा हमें लगेगा आई विल प्ले, और बनना भी चाहिए आई विल प्ले. लेकिन अगर मैं इस बात को मैं ऐसे सर्कमस्टेंस ऐसे सिनेरियो में बोल रहा हूं जहां पे ये मेरे पास ऑप्शन है, कोई मुझसे पूछ रहा है खेलेगा या पढ़ेगा, और मैं वहां बोल रहा हूं मैं खेलूंगा, तो मैं वहां पे विल नहीं लगाऊंगा, मैं वहां पे वुड लगाऊंगा. और पूछने वाला भी इस तरीके से ही पूछेगा, व्हाट वुड यू डू, व्हाट वुड यू डू. ठीक है, जब मेरे पास ऑप्शन है कि तुम क्या करोगे, अब मैंने बोला है आई वुड प्ले, या फिर मुझसे पूछने वाला पूछेगा वुड यू लाइक टू प्ले और स्टडी. मेरे पास ऑप्शन है कि खेलना पसंद करोगे या पढ़ाई करना, मैं तब बोलूंगा आई वुड प्ले, मैं खेलूंगा. ये हो गया हमारा दूसरा. सबसे पहला तो मैंने आपको बताया था रहा होगा रही होगी, चुका होगा चुकी होगी, वहां भी एंड में गा गी गे आ रहा है, वहां नहीं लगाएंगे. दूसरा हो गया ये जहां मेरे पास ऑप्शन है. ठीक है, अब मेरे मैं किसी दोस्त के घर गया, उसने मुझसे पूछा टी और कॉफी, चाय या कॉफी, अब मैं वहां क्या बोलूंगा, मैं चाय पीऊंगा, लेकिन मैं वहां पे ऑप्शन है मेरे पास, तो मैं आई विल टेक टी नहीं बोलूंगा. बोलते हैं लोग, बोल भी सकते हैं, कोई इतनी बड़ी प्रॉब्लम भी नहीं है, लेकिन ग्रामेटिकली अगर देखा जाए, आपको सही होना है कि अगर आपके एग्जाम में ये कोई क्वेश्चन है कि कौन सा सही होगा, तो वहां पे आई वुड टेक टी, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन है, तो आई वुड टेक टी, मैं चाय लूंगा. तो इस तरीके से अगर मेरे पास ऑप्शन है कि तुम खेलोगे या पढ़ोगे, तब मेरे पास ऑप्शन में मैं बोलूंगा आई वुड प्ले. ऐसे ही किसी ने मुझसे पूछा कि घूमने के लिए कहाँ चलना है, घूमने के लिए कहाँ जाओगे, ठीक है, तो मैं सोच के बोलूंगा यार आई वुड गो टू सिंगापुर, कि मैं सिंगापुर जाऊंगा. ठीक है, मेरा कोई स्पेसिफिक नहीं है वो. ठीक है, तो जहाँ ऑप्शन हो वहाँ पे गागी की अगर आता है कि मैं ये करूँगा, मैं वो करूँगा, मैं ये करना चाहूँगा, तो वहाँ पे विल का यूज़ नहीं करेंगे, हम वुड का यूज़ करेंगे. तो ये गागी के का भी ये चीज़ याद रखना, ऑप्शन में हम वुड का यूज़ करेंगे. ठीक है, दो ये हो गए. तीसरा है हमारे पास रिक्वेस्ट. रिक्वेस्ट रिक्वेस्ट किस तरीके से, जहाँ पे गागी के आए और हम फिजिकली कोई चीज़ ना करें, हम सिर्फ कोई चीज़ बताएं, बोलें या सोचें सिर्फ उस चीज़ में, जैसे कि मुझे ये एड्रेस बताओगे, मुझे ये एड्रेस बताओगे, तो वहाँ पे मैंने ये पूछा मुझे ये एड्रेस बताओगे, फ्यूचर की ही बात है कि वो बताएगा, लेकिन हम वहाँ पे एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं. ठीक है, तो मैं वहाँ पे बोलूँगा वुड यू टेल मी द एड्रेस. ठीक है, वुड यू टेल मी द एड्रेस, क्या तुम मुझे एड्रेस बताओगे. ठीक, तो यहां पे मैं एक रिक्वेस्ट कर रहा हूं. ठीक है, कि क्या तुम मुझसे मुझे ये चीज़ बताओगे, मैं एक फेवर मांग रहा हूँ. तो जब भी हम कोई फेवर मांगेंगे, और जिस फेवर में किसी इंसान को कहीं उठ के जाना ना पड़े, कुछ फिजिकली ना करना पड़े, इसमें कुछ फिजिकली नहीं करना पड़ेगा, उसको सिर्फ एड्रेस बताना है, तो मैं वहाँ पे वुड का यूज़ करूँगा. ठीक है, तो यही भी चीज़ आप याद रखना, ये होगी तीसरी चीज़ कि रिक्वेस्ट में हम वुड का यूज़ करेंगे, और जहाँ पे फिजिकली कुछ करना पड़े मैं वहाँ पे वुड का यूज़ करूँगा. जैसे मैं बोलूँगा इधर आओगे, तो उसको उठ के इधर आना पड़ेगा, सो कुड यू प्लीज कम, कुड यू, वहां पे कुड का यूज करेंगे. और जहां पे सिर्फ कुछ बोलना हो, कुछ देखना हो, कुछ सोचना हो, वुड यू माइंड इफ आई आस्क यू समथिंग,
क्या तुम उस चीज़ को माइंड करोगे, उस चीज़ से तुम ऑफेंड होगे, उस चीज़ से तुम्हें दिक्कत होगी अगर मैं कुछ पूछूं। तो यहाँ भी गागी के आ रहा है, लेकिन यहाँ पे एक रिक्वेस्ट है, एक हमारा, हम एक फेवर मांग रहे हैं, तो वहाँ पे वुड का यूज़ होगा। ये हो गया हमारा तीसरा। चौथा मैं बताता हूँ और लास्ट कि विल कहाँ नहीं लगेगा, कहाँ वुड लगेगा। मैं पास्ट में जब फ्यूचर के बारे में सोच रहा हूँ, आज है 9 तारीख, ठीक है, अब मैं बात कर रहा हूँ 5 तारीख की, कि मैं 5 तारीख को खेल रहा था और मैं 5 तारीख को बैठा हुआ सोच रहा था कि मैं कल नहीं खेलूँगा। तो 5 तारीख के लिए कल क्या होगा? 6 तारीख। आज क्या है? 9 तारीख। मैं आज की आज बैठ के उस दिन की बात कर रहा हूँ। तो मैंने 5 तारीख को बोला कि मैं 6 तारीख को नहीं खेलूँगा। तो 5 तारीख को जब मैंने सोचा कि 6 को नहीं खेलूँगा, तो मेरे लिए 6 तारीख भी पास्ट हो गई, लेकिन 5 तारीख में वो मेरे लिए फ्यूचर थी। तो तब मैं बोलूँगा कि आई वॉज थिंकिंग ऑन 5th of August देन दैट आई वुड नॉट प्ले ऑन 6th। ठीक है, लिख देता हूँ मैं, आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच रहा था कब, ऑन 5th August, मैं 5 तारीख को सोच रहा था, 5 अगस्त को सोच रहा था दैट कि आई वुड नॉट प्ले टुमारो। तो मैं 5 तारीख को सोच रहा था कि मैं कल नहीं खेलूंगा। तो अगर मैं 5 तारीख को क्या सोच रहा था, आई विल नॉट प्ले टुमारो, लेकिन अगर मैं आज बात कर रहा हूँ 9 तारीख को, कि 5 तारीख को मैंने ये सोचा, तो आई वॉज थिंकिंग ऑन 5th August दैट आई वुड नॉट प्ले टुमारो। ठीक है, यहाँ पे मैं इसको 5th August भी बोल सकता हूँ, 5th of August भी बोल सकता हूँ। ठीक है, तो कई जगह आपको नॉर्मली डेट ऐसे लिखी भी मिल जाएगी, 5th August, 5th of August भी मिल जाएगी, दोनों का मतलब सेम है। तो ये थे फ़र्क, कहाँ वुड लगाना है, कहाँ विल लगाना है, फ्यूचर इंडेफिनिट के प्रॉपर सेंटेंसेस क्या होते हैं। अब कुछ सेंटेंसेस जो मैं आपको बता देता हूँ जो आपको बनाने होंगे। सबसे पहला सेंटेंस, राम कहाँ जाएगा। अब भाई सोचना आराम से कि वुड लगाना है या विल लगाना है, मैं मिक्स सेंटेंस दे रहा हूँ। राम कहाँ जाएगा, तुम क्या खेलोगे। ठीक है, मैं नहीं आऊंगा, मैं नहीं आऊंगा। अब एक चीज़ मैं आपको क्लियर कर दूं, अगर आपको ऐसे सेंटेंस में तुम क्या खेलोगे, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शंस के साथ पूछ रहा हूँ तो वुड लगेगा। यहाँ पे मैंने ऑप्शन नहीं दिए हैं। अगर इसी चीज़ को मेरे सामने बैट बॉल रखी हुई है, फुटबॉल रखी हुई है, हॉकी रखी हुई है, तब मैं किसी को बोलूँ तुम क्या खेलोगे, तब वहाँ वुड लगेगा। इसमें वुड मत लगाना, मैंने बता दिया है, फिर भी कहीं आपको वुड लगा दो कि यहाँ तो वो चॉइस वाली बात आ गई। तो ये हमें खुद देखना पड़ेगा। अगर ये सवाल तुम क्या खेलोगे तब पूछा जा रहा है जब मेरे पास ऑप्शंस दिख रहे हैं उसमें से तुम क्या खेलोगे, तो वुड लगेगा। ठीक है, अगर मेरे पास ऑप्शन नहीं है तब कोई पूछ रहा है तो विल लगेगा, मैं नहीं आऊँगा। तुम क्यों नहीं पढ़ोगे। तो ये 4 सेंटेंसेस हैं, आपको बनाने होंगे सेंटेंसेस। अब इसमें कुछ भी हो सकता है, सारे विल के हो सकते हैं, वुड के हो सकते हैं, मिक्स हो सकते हैं, वो आपको खुद देखना है, खुद बनाना है। ठीक है, मैं आपको बताना भी चाहता हूँ कि मैं बता दूँ आपको, लेकिन अभी आपको नहीं बताऊँगा। कमेंट बॉक्स में आप बनाइएगा, तब उसके ऊपर मैं आपको आंसर दूंगा। ठीक है, तो अगर आप को कुछ प्रॉब्लम आई है, कोई डाउट है, तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में पूछिएगा। अगर आप चैनल पे नए हैं, वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। थैंक यू।